मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ईसप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर 3 का पार्ट 3 टीशू का आज एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में आपको प्लांट टीशू के बारे में बताया है, आज हम एनिमल टीशू के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टीशू, तो जो एनिमल टिश्यू होता है उसको बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है, 4 ग्रुप में डिवाइडेड किया गया है। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। अब देखते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और स्ट्रैड एपिथेलियम टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला सिलिएटेड, स्मूथ और कार्डिक। कार्डिक यानी कि सिलिएटेड, स्मूथ और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। और जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पहला कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा स्केलेटन टिश्यू और तीसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू का जो सेल्स होंगे वो न्यूरॉन्स होंगे, तो वो ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स मेक अ टिश्यू, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नर्वस टिश्यू। तो अब जो एपिथेलियम टिश्यू का जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है वो 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक कॉलुमलर, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल और स्क्वैमस। तो ये रहा हमारा एनिमल टिश्यू का टाइप्स। अब हम देखते हैं कि इन टिश्यूओं में डिफरेंस क्या है, ये टिश्यू होते क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ भी एक चार्ट दिया हुआ है, इससे भी हम समझ लेंगे। देखिए एनिमल टिश्यू क्या है, कि एनिमल टिश्यू और ऑफ 4 मेन टाइप। जो एनिमल टिश्यू होता है वो क्या होता है, मेनली 4 मेन टाइप्स का होता है। कौन कौन से, दे आर एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब देख लेते हैं कि ये 4 क्या क्या होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है आर ऑफ डिफरेंट टाइप। एपिथेलियल डिफरेंट टाइप का होता है, कौन कौन से, स्क्वैमस, कॉलुमनर, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर। तो ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया, क्योंकि ऐसे तो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू 2 तरह का होता है, सिंपल और स्ट्रेट। तो उस सारे के एक ग्रुप्स में देखा जाए, उसका मेन जो ग्रुप्स हैं वो क्या होते हैं, वो स्क्वैमस, कॉलुमनर और क्यूबॉइडल एंड ग्लैंडुलर एक्सेट्रा। मस्कुलर टिश्यू देखते हैं और ऑफ 3 टाइप्स, कौन कौन से, स्ट्रिएट, अनस्ट्रिएट एंड कार्डियक। कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, दे आर ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडॉन्स, कार्टिलेज, एरियोलर, एडिपोज। अब इन सब के फंक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और एक है नर्वस टिश्यू, द कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन्स को ही क्या कहते हैं हम, नर्वस टिश्यू, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप्स एक साथ मिलके नर्वस टिश्यू बनाते हैं। तो एक एनिमल टिश्यू का यहाँ भी देख सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है 4 टाइप का होता है, स्क्वैमस, कॉलुमनर, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर। जो मस्कुलर टिश्यू होता है स्ट्रैट, अनस्ट्रैट और कार्डियक। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडॉन्स, कार्टिलेज, एरियोलर, एडिपोज। इन सब के फंक्शन के बारे में भी हम आगे बताएंगे कि ये किस तरह से कनेक्टिव टिश्यू हैं, किसको किसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और नर्वस टिश्यू जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये रहा एनिमल टिश्यू का एक इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन सारे टिश्यू के फंक्शन के और वर्क के बारे में बताएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।